तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विधानसभा का दंगल जनता टीवी पर देख रहे हैं आप। हर बूथ पर है हमारी पैनी नजर और उन तमाम मतदाताओं का भी स्वागत है जो वोट कास्ट करके आ गए हैं और जिन्होंने अभी वोट कास्ट नहीं किया उन तमाम मतदाताओं से अपील की जाइए वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो हम परसेंटेज बताने जा रहे हैं उसमें उन तमाम लोगों का तो योगदान है जिनकी उंगली पर स्याही लग गई है, लेकिन अभी जो प्रतिशत आगे आने हैं उसमें आपका योगदान होना चाहिए। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, मतदान जारी है। बाराबंकी की अगर बात की जाए तो 6.11% मतदान हुआ है। अमेठी में अब तक 8.67% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए सुल्तानपुर में अब तक 9% मतदान, तो श्रावस्ती में 10% मतदान का प्रतिशत है। गोंडा में अब तक 8% मतदान दर्ज किया गया है। कौशाम्बी में 9.35% मतदान हुआ है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है। चलिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अमित न्यूज रूम से मौजूद हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए वोटिंग परसेंटेज की हर बार हम बातचीत करते हैं और ये चरण चूंकि हर लिहाज से बेहद जरूरी है, अवध और पूर्वांचल का मिश्रण है इस चरण में, तो ऐसे में इस वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, रुक करेंगे वापस से। परसेंटेज के बारे में बता दूं, आज 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान जारी है और इसका वोटिंग परसेंट हमारे पास आया 10 जिलों का अभी तक। और बाराबंकी की अगर बात करें तो 6.11% मतदान अभी तक हो चुका है, यानी कि 3 घंटे हो रहे हैं लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है बाराबंकी में। या तो हो सकता है कि वोटर्स का रुझान अभी तक नहीं आया, या फिर हम उम्मीद करें कि आगे थोड़ा जब समय और बढ़ेगा तब यहां पर प्रतिशत बढ़ेगा। इसके अलावा अमेठी की बात करें तो अभी तक जो फीसदी है वो 8.67% मतदान अमेठी में हुआ है। इसके बाद सुल्तानपुर है जहां पर 9% मतदान हुआ है, यानी कि अमेठी और बाराबंकी से थोड़ा सा आगे सुल्तानपुर नजर आ रहा है। इसके बाद गोंडा की बात करते हैं जहां पर 8% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में अभी तक इन जिलों से सबसे ज्यादा 10% मतदान हुआ है। कौशाम्बी की बात करें तो ये थोड़ा सा श्रावस्ती से पीछे है, 9.35% मतदान यहां पर हुआ है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है और चित्रकूट का भी परसेंट आ चुका है पूजा, 9% मतदान यहां पर हुआ है। बहराइच में अभी तक 7.45% मतदान हुआ है, यानी कि बहराइच भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है इन जिलों से। इसके बाद प्रयागराज की बात करें जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है, 8% मतदान प्रयागराज में भी हुआ है। बिल्कुल अमित, देखिए इस चरण की अगर हम बात करें तो अवध और पूर्वांचल का मिश्रण है इस चरण में और बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 48 सिटिंग एमएलए, उसके अलावा 2 निर्दलीय हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, दिग्गज कह सकते हैं, 11 से ज्यादा ऐसे दिग्गज हैं, नामी चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। पूर्वांचल जो कि हमेशा से ही वोटिंग के लिए जाना जाता है, वोट होते हैं इस क्षेत्र में, तो क्या इसके पीछे रीजन ये समझा जाए कि अभी ठंड का मौसम है या फिर अभी जैसे जैसे धूप खिलेगी सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएंगे, या अपेक्षाकृत जैसे पिछले चरणों में हमें देखने को मिला था वोटिंग परसेंटेज कम अब रही है 2017 से? बिल्कुल पूजा, देखा जाए तो इस बार वोटर्स चूंकि और संख्या में जुड़े हैं, युवा वर्ग भी है जो कि सामने आ रहा है वोटिंग करने के लिए, और जब सुबह भी हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे तो हमने देखा कि युवा वर्ग बहुत उत्साहित था, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीर आई जहां पर बुजुर्ग और महिलाएं तो पहुंच रही थी लेकिन युवा बहुत पीछे था। तो उम्मीद यही है कि इस बार जिस तरह से रोजगार का मुद्दा बहुत उठा है, विपक्षी पार्टियों ने उठाया है और उत्तर प्रदेश में यह भी हावी रहेगा, और जिस तरह से आपने बात की पूर्वांचल की और 48 विधायक मैदान में है तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिश होगी अपनी साख बचाने की, और कोशिश ये भी होगी निर्दलियों की कि किस से इन्हें काटा जाए, क्योंकि जो विधायक जो कि सिटिंग थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनकी यही कोशिश है कि वो अपने समर्थकों के साथ रहें और कहीं ना कहीं अपनी जो प्रतिष्ठा है वो बचाएं। पूजा, एक और अपडेट इस वक्त हम आपको देना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज पे, 2 जिलों का परसेंटेज और सामने आ चुका है। प्रतापगढ़ में 7.1% मतदान हुआ है, वहीं अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में 9.43% मतदान हुआ है। ठीक है, चलिए तौकीर का रुख करेंगे। तौकीर हमारे साथ में प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो 7% समथिंग वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सामने आया है,
इस वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए, क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं, लगभग 20 मिनट का समय बाकी है लमसम, ऐसे में इस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम समीकरणों पर चर्चा करने पर जाएं तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए 10 बज रहा है और ऐसे में 7% की वोटिंग थोड़ी सी मायूसी जरूर है, क्योंकि वोटिंग परसेंट करीब हमने जो पिछले चुनाव देखे, पिछले जो चरण देखे हैं, उसमें करीब 10% तक ये वोटिंग परसेंटेज पहुंचता था, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा पीछे जरूर है। लेकिन प्रतापगढ़ एक ऐसी जगह है जहां से परंपरागत सीटें हैं, तो जाहिर तौर पर वोटर निकलता है और अपने जिनको वो पसंद करता है उनको वो वोट भी करता है, तो जाहिर तौर पर। लेकिन इस बार के थोड़े समीकरण अलग जरूर है, तो थोड़ा सा जो वोटर है वो भी दूसरे समीकरण को देखते हुए वोट करेगा। और खास बात है कि सरकार कौन बनाएगा, सत्ता में कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी मुद्दा बहुत हावी है प्रतापगढ़ में, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। एक जो सदर सीट से यहाँ पे विधायक जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र मौर्या, वो उनकी मिठाई की शॉप है यहाँ पर, बहुत चर्चित उनका यहाँ का आंवला काफी मशहूर है प्रतापगढ़ का, तो उनका काफी बड़ा कारोबार है आंवले का, तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि मशहूर मिठाई से जुड़े हुए हैं वो, एक ऐसा उनका पास प्रोडक्ट है जो हर प्रतापगढ़ का आदमी जानता है, उनको उतारा है मैदान में, एक वो प्रत्याशी हैं। फिर उसके अलावा कृष्णा पटेल जो सदर सीट से प्रत्याशी हैं अपना दल कमेरावादी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और खास बात है कि अनुप्रिया पटेल की माँ है और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इनकी बहन यानी कि कृष्णा पटेल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल वो कौशाम्बी के सरातू से प्रत्याशी हैं, जहां पर उनका मुकाबला सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से है। तो कई ऐसे समीकरण हैं जिसको देख के लगता है कि कुछ बदलाव लोग अगर चाह रहे होंगे तो जाहिर तौर पर वोट परसेंटेज बढ़ा नजर आएगा, लेकिन अगर शाम 6 बजे तक अभी इंतजार करना होगा कि वोट परसेंटेज किधर जाता है, किसके रुख में जाता है, किधर लोग वोट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये माना जाता है कि वोट परसेंटेज जब ज्यादा होता है तो सत्ता के खिलाफ होता है, कम है तो। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अयोध्या में 9% के करीब वोटिंग हुई है अनिल के अंकुर, और ग्राउंड पर लोगों के अंदर, मतदाताओं के अंदर क्या कुछ रुझान समझ में आ रहा है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मतदाता है, मतदाता बिल्कुल जहां सुबह सुबह शुरू हुए थे बहुत धीमे धीमे थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ रही है मतदाताओं में उत्साह बढ़ रहा है। मैं बताऊं कि अब तक कुछ कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे 18 से 20% हो गए, कहीं पे 9 से 18, अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग स्थिति है। मैं आपको दिखा दूं, चूंकि मैं जिस जगह खड़ा हूं, क्योंकि ये अयोध्या है, राम जन्म की भूमि है, मैं इसका दृश्य दिखाना चाहूंगा किस तरीके से विहंगम दृश्य है। सामने दशरथ महल है, दशरथ महल के बगल में पूरी तौर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मंदिर छाए हुए तौर से, और ये बहुत सरयू तट पे किस तरीके से विहंगम दृश्य है। हमारे साथ तमाम वो लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे मतदान करा रहे हैं, मतदान अभी करता है, और यहाँ पर किसी तरीके से किसी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप संत महंत जी है, महंत जी आपका नाम क्या है? मैं बालयोगी रामदास, अवध के 12 जिलों की 61 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। हमने अभी जो है अपना मत दे के आया हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अवध के 12 जिलों के और 61 सीटों पे सभी प्रत्याशियों को निवेदन। मैं कह रहा हूं आज का मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? मैंने इस मुद्दे पे वोट दिया कि महंगाई कम हो, विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, इस मुद्दे पे हमने वोट किया है। दूसरे बहन से आपको भी बताइए, मैं पूछ लूंगा। नाम का महंत आनंद दास, हनुमान गढ़ी अयोध्या। अच्छा अच्छा जी, आपका वोट था, वोट का मुद्दा क्या था आज का? आज का हम लोगों का मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी चरम पर है, हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, और इसलिए हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिता रहे हैं इस समय अवध के क्षेत्र में। अंकुर जी, इन तमाम लोगों से ये पूछिए कि जब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे थे, उस दौरान एक गाना चल रहा था जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, तो राम के आने से संतुष्टि नहीं है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दे क्यों, राम का मुद्दा क्यों नहीं? हाँ जी।
जी, अभी एक सवाल, जी जी बिल्कुल मैं पूछा, अभी एक सवाल आया है, मैं एंकर मैं पूछा मैम है, उन्होंने पूछा है कि किस तरीके जिस तरीके से अभी योगी ने रोड शो किया, रोड शो में यह गाना बज रहा था कि हम जिन्होंने बनाया है राम उनको लाएंगे, तो राम महंगाई मुद्दा है कि राम मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, राम की क्या हैसियत है लाने की बीजेपी वालों को? राम को ला सकते हैं, राम सबको लाए हैं, ये केवल पोपोगंडा करते हैं और झूठ का अफवाह फैलाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, ना कोई विकास का काम किए हैं, पांच साल में इनका कोई एक काम यहाँ जो ध्यान नहीं बता सकता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो यहाँ ट्रामा सेंटर बनाए, घाट जो बने हैं। योगी जी मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या कह रही हैं, आप इसकी बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, इसलिए सहमत हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, हम एक इंसान आम जनमानस को क्या हैसियत है कि मैं राम को लाऊंगा, राम मेरे आराध्य है, कोई राम को नहीं ला सकता। एक आप बताइए कि राम मतलब मुद्दा क्या है यहाँ पर, राम मंदिर है या महंगाई है? राम मंदिर मुद्दा है, राम जी को आना चाहिए, योगी जी आएंगे इस बार, योगी जी आएंगे पक्के, बहुत फूड मांगे से, मैं झांसी का हूँ उस साइड भी, योगी जी आ। आपको क्या लगता है कि यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नहीं राम मंदिर मुद्दा रहेगा कि योगी मुद्दा रहेंगे कि मोदी मुद्दा रहेंगे कि बेरोजगारी या रोजगार? राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। राम मंदिर बन रहा है जी। और राम का हम लोग हमारे आदर्श हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन नौजवानों को स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तो चाहिए। आप बताइए क्या क्या मुद्दा यहाँ? स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, राम मंदिर, राम मंदिर कोई मुद्दा जब, नहीं। जब योगी का यहाँ रोड शो था तो क्या दस व्यंगम दस था, वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो बाहरी लोग थे, यहाँ के लोग नहीं थे, मतदाता यहाँ। देखिए इनका कहना है कि वो बाहरी लोग थे, जो योगी के रोड शो में इनका कहना है कि बाहरी लोग थे, यहाँ के लोग ही नहीं थे, क्या भाई बात सही है कि योगी रोड शो में उनके योगी के रोड शो में पूरे मंडल के यहाँ जो फैजाबाद मंडल, बस्ती मंडल, सुल्तानपुर के लोग बुलाए गए थे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई उसको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, कितनी जन सैलाब उमड़ी हुई थी उसको नहीं बता रहे हैं लोग। आप जो है चाय विक्रेता है ना? हाँ जी। आप बताइए कि आप तो दुनिया से मिलते हैं, क्या लग रहा है, क्या किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। मतलब कौन जीतेगा आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ से। क्या आपको क्या लगता है, क्या सही बोल रहे हैं? देखिए पूरा पश्चिम में जो है एक जुड़े हुए हमारे साथ में अनिल के अंकुर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और मसला गर्म होता हुआ क्योंकि एक बात जो छेड़ दी कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, तो जो अयोध्या वासी हैं वो कह रहे हैं भैया राम को कौन ला सकता है, राम तो सबको लेकर आए हैं, राम ही तो माई बाप है। विपिन का रुख करते हैं, विपिन हमारे साथ में गोंडा से जुड़े हुए हैं। विपिन आपसे भी चलते चलते समझेंगे कि तासीर क्या कह रही है गोंडा क्षेत्र की, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जी पूजा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम इस समय कल्याणगंज विधानसभा में मौजूद है, यहाँ पे दो राजघरानों की साख दांव पर लगी है, क्योंकि यहाँ पे गोंडा के सातों विधानसभा में कई ऐसी विधानसभा है जहां पर बाहुबलियों की साख दांव पर लगी है, जैसे कैसरगंज सांसद के बेटे सदर विधायक प्रतीक भूषण की उनकी साख पर दांव लगी है, कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री मणिकापुर में उनकी साख पर दांव लगी है, और यहाँ इस विधानसभा में दो घरानों की साख दांव पर लगी है, यहाँ के मौजूदा विधायक जो थे उनका टिकट काट दिया गया है और समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक युवा कचेरा को लेकर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि बदलाव होगा कि आजादी के बाद से जो दो ही घराने में राजनीति रहती थी उनके पास होगा। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कैमरा मैन से, कहूंगा कि आप दिखाइए बूथ पे दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से लोग कतारों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और दिखा सकते हैं यहाँ पे लोग लालायित है 2022 के सरकार बनाने के लिए, यहाँ पे महिलाएं भी है, सुबह से महिलाएं यहाँ पे लाइन में खड़ी है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी कही है, सबके हाथों में हैंड ग्लव दिया गया है, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी फोर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में लगाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सातों विधानसभा में अपना प्रचंड लड़ाया था, लेकिन इस बार दो विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है, कटरा विधानसभा में जहां पर बैला दुबे, पावन सिंह और विनोद शुक्ला बसपा से, चूंकि भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो बसपा से टिकट ले आए, अब वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई चलती है। वही गौरा विधानसभा में प्रभात वर्मा और राम प्रताप सिंह कांग्रेस से, प्रभात वर्मा बीजेपी से। विपिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि ग्राउंड जीरो पर जनता या तो प्रत्याशी का वर्चस्व पसंद करती है या फिर वो सिंबल पर वोट करती है, क्योंकि उसे
पार्टी के एजेंडों से मतलब होता है। चलिए आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए। और जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, क्योंकि अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पूछ पाएंगे। देखा आपने अभी अयोध्या के तमाम लोग कह रहे हैं ना कि राम मंदिर तो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विकास है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा रोजगार है। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, आपके आपके हो सकते हैं, आपके अपनों के हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत ये विचारधारा है, लेकिन वोट कास्ट करना जरूरी है। किसी को भी वोट दीजिए, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दीजिए, जिसमें आपको आपका हित समझ में आ रहा है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। बहुत छोटे से ब्रेक का है।